हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम डब्ल्यूएस टेक। आज हम देखेंगे कि पोस्ट की कैटेगरी हम कैसे क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस के अंदर। हम क्या करेंगे, कैटेगरी क्रिएट करेंगे और कैटेगरी वाइज पोस्ट को क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। ये हम पूरा प्रोसेस आज देखने वाले हैं। देखिए, जो हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, मेन्यू में कैसे ऐड करते हैं, और मेन्यू में जब हम ऐड करेंगे तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो पोस्ट को कैसे डिस्प्ले करेगा कैटेगरी वाइज, ये पूरा प्रोसेस आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैटेगरी को क्रिएट करना, कि हम कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, कैटेगरी क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड में जहां पे हमने पोस्ट क्रिएट किया था, लास्ट हमने क्या देखा था कि पोस्ट कैसे क्रिएट होता है। देखिए, कैटेगरी क्रिएट करने के लिए आपको कहां पे जाना है, मैं आपको बता देता हूं। आपको जाना है पोस्ट के अंदर, ये रहा कैटेगरी का ऑप्शन, कैटेगरीज। तो कैटेगरीज पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक पहले से कैटेगरी क्रिएट करके रखता है अनकैटेगराइज्ड। आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, ये डिलीट करने का ऑप्शन नहीं देता इसको। आप इसको एडिट करके अपनी कैटेगरी का नाम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, या आपको आप इसको यूज ही मत करिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, नई कैटेगरी बनाते हैं। कि आप नई कैटेगरी कैसे बनाएंगे, तो नई कैटेगरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये wsqtech.com की साइट है, ये ब्लॉग मैंने ओपन कर रखा है। ये कैटेगरीज है, देखिए मैं यहां से ले लेता हूं। जैसे पहली कैटेगरी मैंने यहां पे कॉपी कर ली, बिजनेस डेवलपमेंट, और यहां पे लिया। देखिए, बिजनेस डेवलपमेंट लेने के बाद आप यहां से क्या करिए, एड न्यू कैटेगरी कर दीजिए। देखिए, करने के बाद आपकी कैटेगरी यहां पे आ जाएगी। अभी देखिए आपके सामने ये कैटेगरी यहां पे क्या हो गई है, डिस्प्ले हो गई है। और यहां पे एक चीज और बता देता हूं, ये डिस्क्रिप्शन आपने कुछ यहां पे डाला नहीं था, अगर आप डिस्क्रिप्शन डालना है तो डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। और स्लग, देखिए यहां पे एक चीज दिख रहा होगा, स्लग। स्लग क्या होता है, जब ये URL में जाएगा तो URL में क्या नाम बनेगा। जैसे आप इस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो वो क्या बनाएगा, बिजनेस डैश डेवलपमेंट। आप इस स्लग को भी चेंज कर सकते हैं। स्लग को चेंज करने के लिए देखिए, यहां से आप एडिट करेंगे तो एडिट में स्लग का ऑप्शन आएगा, या जब आप कैटेगरी बना रहे हैं तब भी आप यहां पे स्लग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी बन गई। और साथ में यहां पे देखिए काउंट बता रहा है, काउंट क्या है, जीरो। जीरो काउंट का मतलब मैं आपको बता देता हूं, यहां पे इसके अंदर अभी तक कोई भी पोस्ट नहीं है, केवल आपने कैटेगरी बनाई है। अब मैं क्या करता हूं, एक और कैटेगरी बना देता हूं। देखिए यहां से मैंने यहां से बना दी ऐप डेवलपमेंट, एक नाम की कैटेगरी और बना दी यहां पे। देखिए ऐप डेवलपमेंट नाम की कैटेगरी बनाई, ये स्लग ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। देखिए ऑटोमेटिक क्या जनरेट करेगा, मैं आपको बता देता हूं, ऐप डैश डेवलपमेंट वो खुद बना देगा स्मॉल में। आप चेंज करना चाहते हैं चेंज भी हो जाएगा, वो भी ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए आपको इसको सब कैटेगरी बनाना है, सब कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि कैटेगरी के अंदर कैटेगरी, तो आप यहां पे चूज कर सकते हैं कि पेरेंट कैटेगरी क्या है। अगर आपने यहां पे बिजनेस डेवलपमेंट चूज किया तो ये इसके अंदर की सब कैटेगरी बन जाएगी। तो अभी तो हम पेरेंट कैटेगरी पे काम करते हैं, तो मैं ऐप डेवलपमेंट पेरेंट में ही करता हूं और यहां से एड न्यू कैटेगरी कर देता हूं। देखिए यहां पे दो कैटेगरी बन गई है, एक ऐप डेवलपमेंट और एक बिजनेस डेवलपमेंट, हमने दो कैटेगरी बना दी। अब ऐसे और भी कैटेगरी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैटेगरी बनाने में। अब देखिए, अब चलते हैं, अब हम इसे पोस्ट में कैसे यूज करेंगे। जब हम पोस्ट को ऐड करेंगे, एक नया पोस्ट ऐड करेंगे, तो कैटेगरी कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, कैटेगरी को कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये हम पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए ऑल पोस्ट में चलते हैं एक बार, देखिए ऑल पोस्ट में जाके देखिए, यहां पे हमने एक पोस्ट ऐड किया था लास्ट, जब हमने पोस्ट वाला प्रोसेस देखा था, तो पोस्ट में हमने एक पोस्ट ऐड किया है। हम यहां से एडिट कर देते हैं। देखिए इस पे, देखिए एडिट करने के बाद आपको क्या करना है, ये आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी जहां पे टाइटल और कंटेंट लिखा था। आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स में और यहां पे लिखा हुआ रहा है कैटेगरीज, यहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पे यहां पे सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। ये अनकैटेगराइज को अनचेक कर दीजिए और आप बता दीजिए ये पोस्ट किस कैटेगरी से रिलेटेड आपने ऐड किया था। तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहां पे बिजनेस डेवलपमेंट क्या कर देता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए और यहां पे अपडेट कर दिया, तो ये जो पोस्ट है ये बिजनेस डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर चला गया है। हम एक और पोस्ट ऐड करते हैं। देखिए जैसे मैंने यहां पे ऐड न्यू किया, देखिए ऐड न्यू करने पे एक और आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा पोस्ट को ऐड करने वाला। देखिए आपके सामने स्क्रीन खुल गई है। मैं यहां से क्या करता हूं, एक पोस्ट कॉपी कर लेता हूं यहां से, जैसे मैंने ये यहां से इसको कॉपी कर लिया है, यहां से मैंने इसका टाइटल दे दिया। मैं यहां से इसकी डिस्क्रिप्शन ले लेता हूं। अब डिस्क्रिप्शन में कितना भी कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। आप यहां से इमेज ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के बीच में भी इमेज ऐड कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि आपको इमेज ऐड करनी होगी तो कैसे ऐड करेंगे, यहां से देखिए सिंगल इमेज, और यहां पे आप मल्टीपल इमेज भी ऐड कर सकते हैं एक साथ। हम जाते हैं डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंट पे जाके पहले फीचर इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां से कोई भी फीचर इमेज सेलेक्ट कर ली, ये मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए इमेज सेलेक्ट कर ली, और यहां से मैंने इसको ऐप डेवलपमेंट के अंदर चेक कर दिया। देखिए एक पोस्ट ऐड करने जा रहा हूं, जो मैंने कौन सी कैटेगरी में सेलेक्ट किया, ऐप डेवलपमेंट के अंदर। और यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। ये आपने पब्लिश कर दिया इसको। दो कैटेगरी बनाई है, एक बिजनेस डेवलपमेंट और एक ऐप डेवलपमेंट।
अब इन दो कैटेगरी को हम मेन्यूज में कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए अब आप वेबसाइट को यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो वो दोनों आपके सामने पोस्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए ये, देखिए ये अभी ऐड किया था, ये हमने पहले ऐड करके रखा था, और यहाँ पे देखिए कैटेगरी का नाम भी आ रहा है, देखिए ऐप डेवलपमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट। मगर हमें जो कैटेगरी ऐड करनी है वो कहाँ पे ऐड करनी है, मेन्यू के अंदर। यहाँ पे हम मेन्यू के अंदर कैटेगरी कैसे ऐड करेंगे, जब हम मेन्यू के अंदर कैटेगरी ऐड करेंगे तो आप कैटेगरी वाइज पोस्ट कैसे डिस्प्ले होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए मेन्यूज के अंदर अगर कैटेगरी ऐड करनी है तो आपको कहां पे जाना है, अपीयरेंस में, देखिए, और यहाँ पे अपीयरेंस में मेन्यूज, देखिए अपीयरेंस में मेन्यूज, ये हमने तीन पेज ऐड कर रखे हैं, यहीं पे हम क्या करेंगे कैटेगरी को भी ऐड करेंगे। वो कैसे ऐड होगा ये मैं आपको बता देता हूं। यहां से आप देखिए कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे पोस्ट है, कस्टम लिंक्स और यहाँ कैटेगरीज, आप कैटेगरी पे क्लिक कर दीजिए, ये दो कैटेगरी आपके सामने आ रही है, तो आप यहां से ऐप डेवलपमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट ऐड टू मेन्यू कर दीजिए। यहाँ पे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी पोजीशन सेट भी कर सकते हैं कि कौन से नंबर पे चाहिए, ये आप कर सकते हैं जैसे हमने पेज में किया था। और आप यहां से इसको क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। जब आप सेव करेंगे और जाके आप वेबसाइट को क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे जाके। देखिए मैं यहां पे जाता हूं और वेबसाइट में जाके क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। रिफ्रेश करते ही आपके मेन्यू में वो दो कैटेगरी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। देखिए देखिए बिजनेस डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट दो कैटेगरी ऐड हुई है, दिख तो आपको रहा है मगर आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, कैटेगरी ऐड किया है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो मेरे पोस्ट मेरे सामने क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए बिजनेस डेवलपमेंट में एक पोस्ट है आपके सामने डिस्प्ले हो गया जो हमने ऐड किया था, और ऐप डेवलपमेंट में भी क्लिक करेंगे तो ऐप डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आपका पोस्ट क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए तो इससे हमने क्या जस्टिफाई कर लिया कि हम कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिस्प्ले कैसे करते हैं और कैटेगरी ऐड कैसे करते हैं, कैटेगरी ऐड करने के बाद मेन्यू में कैसे ऐड करते हैं, और जब हम पोस्ट ऐड करते हैं तो पोस्ट ऐड करते समय कैटेगरी को सेलेक्ट कैसे करते हैं। देखिए मैं आपको अभी ये बता देता हूं कि हम सब कैटेगरी कैसे बना के ऐड करेंगे मेन्यू में। मान लिया जाए कि ऐप डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट की मुझे क्या बनानी है, एक सब कैटेगरी बनानी है, और जब मैं ऐप डेवलपमेंट पर कर्सर करूंगा तो सब कैटेगरी यहां पर खुलनी चाहिए। ये देखिएगा गाइस कि अगर ये थीम में ऑप्शन होगा खुलने का तो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। अगर थीम मुझे प्रोवाइड करा रही होगी सब मेन्यू बनाने के लिए तो वो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। बस एडमिन में ऑप्शन है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सब मेन्यू बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैं एक और कैटेगरी यहां से क्या करता हूं, ऐड कर लेता हूं। देखिए पोस्ट में जाके एक कैटेगरी ऐड कर ली मैंने, यहां पे मैंने लिख दिया ऐप डेवलपमेंट, न्यू नाम से मैंने क्या बनाई है, एक सब कैटेगरी बनाई है। अब ये सब कैटेगरी अभी तक नहीं है, अभी तक तो ये क्या है, पेरेंट कैटेगरी है। अगर आपको इसको सब कैटेगरी में बनाना है, किसके अंदर बनाना है, ऐप डेवलपमेंट के अंदर, तो आप यहां पे पेरेंट कैटेगरी के अंदर से यहां से क्या सेलेक्ट कर लेंगे, ऐप डेवलपमेंट। देखिए ऐप डेवलपमेंट सेलेक्ट किया और आप यहां से ऐड न्यू कैटेगरी कर दीजिए। अब एक चीज नोटिस करिए, देखिए यहां पे ऐप डेवलपमेंट आया और यहां पे एक डैश का साइन बन गया है, तो मतलब ये इसकी सब कैटेगरी है। मेन कैटेगरी जो है वो ऐप डेवलपमेंट है और जो सब कैटेगरी वो है वो क्या है, ऐप डेवलपमेंट न्यू। अब देखिए अब आप इसको कैसे मेन्यू में ऐड करते हैं और मेन्यू में कहां ऐड करना है मैं आपको बता देता हूं। इस ऐप डेवलपमेंट के नीचे यहां पे ड्रॉप डाउन में वो कैसे ऐड करेंगे मैं आपको बता देता हूं। और आप जब मेन्यू में ऐड करेंगे तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इसके भी पोस्ट आपके सामने क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं इसी पोस्ट को क्या कर देता हूं, उसके अंदर ऐड कर देता हूं। यहां पे ऐप डेवलपमेंट न्यू को भी क्या कर दिया, चेक कर दिया और अपडेट। अब अपडेट करने के बाद आप जाएंगे अपीयरेंस में मेन्यूज। देखिए ये जो यहां पे हम दिखा देते हैं ऐप डेवलपमेंट न्यू नाम की एक सब कैटेगरी दिख रही है, यहां पे हम क्लिक करते हैं और ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। देखिए चेक पे आपने क्लिक किया और ऐड टू मेन्यू कर दिया, ये जो बन रही है ये तो अभी पेरेंट बन रहे हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा ड्रैग करके अंदर की साइड करना है और ये इसका सब आइटम बन जाएगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ रहा है सब आइटम, ऐप डेवलपमेंट का सब आइटम है ऐप डेवलपमेंट न्यू, और आप यहां से सेव मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पे सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे और जाके वेबसाइट पे क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए ऐप डेवलपमेंट के अंदर यहां पे आप जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा ऐप डेवलपमेंट न्यू। देखिए ये लिखा हुआ रहा है ऐप डेवलपमेंट न्यू। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके भी पोस्ट आपके सामने क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देखिए आप पेरेंट कैटेगरी भी बना सकते हैं, सब कैटेगरी भी बना सकते हैं, सब कैटेगरी के अंदर भी पोस्ट ऐड कर सकते हैं, पेरेंट कैटेगरी के भी अंदर पोस्ट ऐड कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस हमने अभी देखा है, आगे जो हम देखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि आप पोस्ट पे लिमिट कैसे सेट करते हैं,
कि आपके दो ही पोस्ट आपके पेज में दिखने चाहिए। मान लिया जाए यहाँ पे 10 पोस्ट है और उसमें लिमिट सेट करना है कि एक पेज पे दो ही दिखेंगे, नेक्स्ट करूंगा तो आगे के दो दिख जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस हम नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।